कैप्टन ऑफ द शिप फेसबुक वाला प्यार क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी फिल्म होने वाली है और थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को नया फिल्म के बारे में। बहुत अच्छी बात है, हमने एक छोटे गांव से उठाया और ये लोगों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि आज के यंग जनरेशन लगभग फेसबुक पे डूबे हुए हैं। उस हिसाब से हमने ये सुना क्योंकि ये सब जो घटनाएं हैं काफ़ी जगह घटती है, उससे हम कुछ खोज करके ये करके निकाले हैं। जो बहुत सारे जगह में छोटे जगह, जैसे मैंने पटना में कहानी सुना था जो वहाँ पे कुछ ये सत्य घटना हुआ था, तो इसके लेके ये मुद्दा उन्होंने उठाया। पूरे देश में फेसबुक को अगर बात करते, पूरे देश में फेसबुक को लेकर लोग काफी एक्टिव होते हैं, लेकिन आपने एक गांव को चुना जिस तरह से आपने बताया, तो वो कौन सा गांव है और उस गांव को ही लेकर क्यों आपने इस फिल्म को बनाई? जैसे मैंने इसलिए कि अभी जैसे कि धीरे धीरे से वो मेट्रो सिटी में बहुत पहले से जो अपूट आया फिर ये आया तो बढ़ते गए, लेकिन गाँव वगैरह में धीरे धीरे अभी ये सब में लोगों को इनरोड करने से बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से हमने देखा कि कुछ इस तरह के घटने हो रहे हैं, तो फिर हमने देखा कि ये तो मेट्रो मतलब ये सब संभव नहीं है, तो इसके लेके उसमें झारखंड के को मैंने चुना और क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस भी है तो मेरे को वहाँ काम करने में भी आसानी होगी और ये मैंने चुना। सर आपने क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, मतलब क्या वजह हुई? मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है प्रोफेसर संकटा प्रसाद, वो हिंदी का प्रोफेसर है, हिंदी पढ़ाता है और जब हिंदी वो पढ़ा रहा होता है क्लास में तो कई स्टूडेंट्स जो हैं फेसबुक पे चैटिंग कर रहे होते हैं, तो प्रोफेसर अपने आप में फेसबुक से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। इसी तरह जो हमारे वकील साहब हैं जो राजेश जी, वो भी त्रस्त हैं, उनके यहाँ केस वैसा चल रहा है कुछ फेसबुक को लेकर। बहुत खूबसूरत नारायण साहू जी ने स्टोरी इसका ताना बाना गढ़ा है कि दो पिताओं की जो बात है, एक्चुअली अंग्रेजी में कहें तो दिस इज टेल ऑफ टू फादर्स, एक दो फादर्स के द्वारा, पिताओं के द्वारा ये कहानी का ताना बाना बुना गया है और वो जो दोनों फेसबुक से त्रस्त हैं वो फेसबुक ऐप को ही सेलेक्ट करते हैं अपने बच्चों को मिलवाने के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी के युवा युवती इतना प्रभावित हो गए हैं फेसबुक से आजकल, तो ये एक है। और मुझे जब इन्होंने ये सब्जेक्ट बताया तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा कि बड़ा बढ़िया है, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है और मेरा ख्याल है नई पीढ़ी को बहुत अच्छा लगेगा, तो लेट्स डू, हम करते हैं। तो फेसबुक से आपकी कोई लव स्टोरी नहीं है कभी कोई? नहीं, मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है, मेरी जब लव का जमाना था उस समय फेसबुक नहीं आया था, मेरी उम्र काफी मोबाइल नहीं आया था, मोबाइल भी नहीं आया था, बिल्कुल राजेश जी ने सही फरमाया, मोबाइल भी नहीं आया था, तो सो हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ओके, आज की यंग जनरेशन को अगर हम देखें तो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है यंग जनरेशन पे, तो आपके अकॉर्डिंग ये अच्छा है या बुरा है? नहीं, अगर उसकी एक सीमा हो इस्तेमाल करने का, अगर हम सही ढंग से जाने कि इस सीमा तक ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि आज पूरी दुनिया सिमट चुकी है डिजिटल मीडिया पे, ये माध्यम इतना सशक्त हो चुका है कि एक क्षण में पूरी दुनिया में बात फैलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकता किसी भी चीज़ का जो एक्सेस होना जो है वो बहुत खतरनाक है, सेहत के लिए बिल्कुल खतरनाक है, कि बच्चों का जो दिमाग है वो दिमाग मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, शरीर का पानी सोख ले रहा है मोबाइल जो है, मोबाइल पे इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, तो ये बच्चों के मस्तिष्क पे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो एक सीमा तक इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन एक सीमा में रहें। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, फेसबुक वाला प्यार तो होता है लेकिन काफ़ी सारे ब्रेकअप्स भी होते हैं और लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप टिकता नहीं है जो फेसबुक वाला प्यार होता है, तो इसमें बताया है ऐसा कुछ आपने? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये फेसबुक के थ्रू दोस्ती होती है, जब इसमें जब मिला जाता है उसमें कन्फ्यूजन भी होता है और ये फिर ये निष्कर्ष लास्ट में जो है दोनों फादर जो है उसको क्लियर करते हैं और फिर ये शादी में तब्दील होकर एंड होता है। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म फेसबुक वाला, जिस तरह से फेसबुक वाला प्यार ये फिल्म है, इस फिल्म को लेकर इसकी स्टोरी में ऐसी क्या खास लगा कि आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की सोची? नारायण जी ने स्क्रिप्ट जब बताया तो कहानी हमको अच्छी लगी,
सर स्टार कास्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा उनका परफॉर्मेंस? स्टार कास्ट का अच्छा काम है सबका, सब अपने 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 कैरेक्टर में। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार जो है फेसबुक और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है, तो क्या आपने इसके थ्रू कोई मैसेज दिया है और जो भी ऑडियंस देखने वाली है फिल्म को, या फिर? नहीं, ये एक तरह की फन फिल्म है, जो चूंकि युवाओं में फेसबुक का प्रभाव है, कई ऐसे ऐप्स आए हैं जिनका प्रभाव है, और नारायण जी ने चूज ही किया है फेसबुक को, तो फेसबुक के जरिए कैसे लड़के लड़कियां कनेक्ट होते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, और आज तक फेसबुक आने से जो संयुक्त परिवार के जो संबंध थे वो तक खत्म हो गए हैं, पति पत्नी भी साथ बैठे रहते हैं, अपने अपने चैटिंग पे लगे रहते हैं, इस तरह की भी चीजें हो रही है समाज में, और बहुत बृहद रूप से इसका बहुत ही बृहद रूप से प्रसारण हो गया है, और उस तरह का कोई संदेश नहीं दिया गया है कि फेसबुक इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, इतना है कि दो पिता त्रस्त है फेसबुक से, लेकिन वो अपने बच्चों को मिलवाने के लिए फेसबुक ही सेलेक्ट करते हैं। ये इस कहानी में है, एक गुदगुदी है, एक बासु चटर्जी के जोनर की फिल्म है, उस जोन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन नारायण जी ने उस जोन को छूने की कोशिश की है इस फिल्म के जरिए। फिल्म के लोकेशन की बात करें, किस-किस लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग? ये हम झारखंड को चुने हैं और सारे सॉन्ग्स हमने दार्जिलिंग में शूट किए हैं। थैंक यू। आप सबको एक बात ये बता दूं कि आज 5th January है, और आज ही के दिन 4 साल पहले अमेरिका के एक डॉर्मेटरी रूम से ये फेसबुक शुरू हुआ था। क्या बात है, टुडे इज द डे। क्या बात है, 4th February, 5th February, सॉरी। पेशे से वकील है और एक फैमिली है छोटी सी, राहुल बेटा है, पत्नी है और एक नाती है, तो वकील है, छोटे से शहर में रहता है, अपनी फैमिली से खुश है, खुशहाल आदमी है, चाहता है कि बेटा घर बसा ले, बेटे की उम्र हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा परेशान है, और बेटा शादी नहीं करना चाहता है, तो इसलिए एक जी बिल्कुल ये दिन चुना गया है। और फिल्म क्या होती है कि फिल्म बनने के बाद अगर ज़्यादा दिन तक पड़ी रहे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो मेरे अपने ख्याल से फिल्म जब बनकर तैयार हो जाए तो उसको जितना जल्द हो सके रिलीज कर देना चाहिए। फिल्म अच्छी है या बुरी है ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन उसको रखना नहीं चाहिए ज़्यादा तक, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके सर, आप बताइए, आप किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं? मैं राहुल का दोस्त हूँ, हीरो का दोस्त कबले रोल प्ले कर रहा हूँ, और ये किरदार ऐसा है कि अपने दोस्त की शादी कराने पर तुला हुआ है, फिर वो फेसबुक हो या किसी भी माध्यम से, पर हमारे यहाँ जो माध्यम है वो फेसबुक है हमारे सिनेमा में, और शाम दाम दंड भेद कैसे भी हो मेरे दोस्त की शादी हो जाए यही मंशा है हमारी। राजेश जी, आप फेसबुक से कितना कनेक्ट होते हैं, कितना कनेक्ट रहते हैं, और पहले ये फेसबुक नहीं था, जैसे आपने बताया कि फोन ही नहीं था, लेकिन फेसबुक आने के बाद कितना अच्छा और कितना बुरा भी है लोगों के लिए? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा पहलू होता है, बुरा पहलू होता है, तो फेसबुक के भी अच्छे पहलू हैं। फेसबुक आया तो लोगों ने अपने बरसों पुराने, कभी स्कूल में कोई पढ़ता था दोस्त, उसके बाद वो बिछड़ गए, फिर कहाँ गए कोई मान, लेकिन फेसबुक से अचानक वो मिल गए और वो दोस्ती पूछनी शुरू हो गई, तो फेसबुक का ये फ़ायदा भी हुआ है, और नुकसान ये हुआ कि लोगों ने ज़्यादातर वायरल वीडियोज़ जो करके ये करके इसका गलत असर पड़ता है। इंसान का क्या है कि इंसानी फितरत ऐसी होती है कि जो देखता है उसको तुरंत फट से यकीन कर लेता है, सोचने टाइम नहीं लेता कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो उसका एक फेसबुक पर जो है असर पड़ता है। जैसे कि अखिलेंद्र जी ने कहा कि हर ऐप्स का अपना अपना ये है, उसके एक एक अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है, तो मुद्दा अपनी फिल्म का है कि फेसबुक वाला प्यार, फेसबुक से भी प्यार होता है, हमें हमारा मुद्दा फिल्म का ये है, और ये प्यार कैसे होता है और किस तरह का प्यार है ये तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये तो जनता जाएगी देखेगी तो उनको सस्पेंस में लगेगा कि वाकई ये फेसबुक वाला प्यार है या कि पुराने ज़माने का प्यार है। फिल्म में ये एक ट्विस्ट है, ये हम बता नहीं रहे आपको। आप किस तरीके से
देखिए फिल्म का सिचुएशन सारी बात अपने हिसाब से कह देता है, फिर उसके ऊपर मेरे को चलना था मेरे को अपने हिसाब से करना था। और इतने अच्छे अच्छे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर आर डी वर्मन, एस डी वर्मन, लक्ष्मण प्यारल, सब अच्छे अच्छे लोगों को मैंने सुना है इतने साल ARM, तो सबको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ सूदिंग म्यूजिक होना चाहिए, कुछ अपनी बात भी कह सकूँ डायरेक्टर के हिसाब से भी, और जो सिचुएशन था उसके हिसाब से उसके लिरिक्स भी फिल्म के हिसाब से होते थे। तो जो मैंने सीखा है म्यूज़िक क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न, तो कोशिश की उन सब चीज़ों को मैं यूज़ कर सकूँ। और आप सुनेंगे उन गानों में उस तरह का म्यूज़िक श्रेया घोषाल ने, सोनू निगम जी ने वैसा गाया। सोशल मीडिया के बारे में बात की गई तो उसको लेकर किस तरह से आपने मतलब वर्कआउट किया? देखिए यूथ के लिए भी जैसे गाने का है, मतलब एक फिल्म में सिचुएशन सॉन्ग है वो भी गुम तेरे प्यार में गुम, तो यंग जनरेशन को पसंद आने वाला है। और मन बावरा बहुत सूदिंग मेरे पसंद का गाना है, और मैं फिलहाल सोनू निगम जी ने गाया है वो भी बहुत प्यारा गाना है, सूफी स्टाइल में हो वो सूफी टाइप का गाना है। और फिल्म के बैकग्राउंड को भी मैंने किया था, तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि इसमें एक धमाल गाना होना चाहिए जो फिल्म को आगे ले चले। तो आरव दत्ता ने एक गाना गाया मेरे ख्वाबों की वली का, मिलोगी कब मुझे, फिर एक आइटम सॉन्ग लास्ट में जो होता है। आप बताइए About music, music is good, very beautiful, very soothing and melodious. I'm just a mehfida, so many likha hai. Mere gaana likha mehfida, woh tere pyar mein go. And the sir ne very beautiful music kiya hai, bahut achhe situation ke hisab se gaane likhe gaye hain sare. Sir ne situation bataya, director sir ne, Narayan ji ne, to uske baad humne write kiya gaana. Narayan ji ne film ke hisab se bahut achha guide kiya, bahut achha samjhaya. और मन बावरा गाना है जो मैंने भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा है, तो कहीं ना कहीं साथ में भी नाम है। लेकिन मेन बात वो है कि गाना जो चीज़ हम चाहते हैं वैसी होनी चाहिए, तो उसमें वैसा म्यूज़िक और वैसे सिंगर है, श्रेया घोषाल है, सोनू निगम, जो गाने को लिखा है उन लोगों ने, मेरे बहुत अच्छे प्रोग्रामर है दुर्गेश राहुल, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग किया, तो सब टीम वर्क है सारा। सोशल मीडिया काफ़ी वास्ट हो गया, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा सोशल मीडिया पर रहा है, अगर एक करके आप बताना चाहें फेसबुक पे कभी कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? फेसबुक अच्छा, मतलब न्यू जनरेशन को मिलाने के आज की डेट में अपने आप को अपडेट रखना, फेसबुक से इंसान एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो ये है कि लड़का एक मुखड़े को देख के शादी होती है, वो वाली बात है। तो फेसबुक पे अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद करता है तो वो शादी भी कर सकता है। अच्छा मन बावरा मैं गाना चाहता हूँ, बहका बहका ये दिल कहने लगा, बहका बहका सा ये रहने लगा, ख्वाब जो देखा मेरे दिल ने वो सच होने लगा, गुस्ताखियाँ नादानियाँ मैं तो हर दम करने लगा, मन बावरा होने लगा, तेरी ही बातें करने लगा, मन बावरा होने लगा, तेरी ही बातें करने लगा।